will discuss the internal structure of the ovary. That this is a typical female ovary. This ovary is present in the abdominal cavity. As you all know, the outermost layer of the ovary is tunica albizina. जो टेस्टिस के अंदर भी वर्ड आया था कि टेस्टिस के बाहर जो लेयर होती है दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजीना. इन द सेम वे ओवेरी इज ऑल्सो कवर्ड विद द लेयर नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजीना. नेक्स्ट टू दिस देर इज अ डेंस सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिस ओवेरी विच इज शोन बाय द ग्रीन डॉट्स दैट इज नोन एज कोर्टेक्स. इस रीजन को हम कोर्टिकल रीजन बोलेंगे, ओवेरी का कोर्टिकल रीजन जो आउटर मोस्ट लेयर के पास है. एंड द मिडल वल पार्ट ऑफ द ओवेरी इज नोन एज मेडुला एंड दिस मेडुला हैव लोट्स ऑफ प्राइमरी फोलिकल. इसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं and these follicle undergo structural changes during the each menstrual cycle. We will discuss that later on. So the primary follicle, one of the primary follicle will start developing on each menstrual cycle. तो एक primary फोलिकल यहां से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे. सो दिस प्राइमरी फोलिकल विल कन्वर्ट इनटू द ए फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल एंड फाइनली इट विल ग्रो इनटू द ग्रेफियन फोलिकल. या आपका ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फोलिकल इन डिटेल. सो ग्रेफियन फोलिकल हैव ए सेकेंडरी ऊसाइट इन साइड इट. उसके अंदर एक सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट होता है विच इज कवर्ड विद द डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यू. सो सेकेंडरी ऊसाइट इज प्रेजेंट इन द ग्रेफियन फोलिकल. सेकेंडरी ऊसाइट इज प्रेजेंट इन द ग्रेफियन फोलिकल एंड इट इज कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. सो हियर दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रेफियन फोलिकल इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा. मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस ग्रेफियन फोलिकल. हियर this membrane is attached to this internal membrane. This portion is known as germ hili and there is space between these two membrane. This is a cavity like structure which is filled with the liquid. This cavity is known as antrum. So in the Graafian follicle there is secondary oocyte. It is not egg, it is secondary oocyte. So on the maturation of this Graafian follicle, this Graafian follicle will rupture. ये टूट जाएगा. इस तरीके से इसकी membrane क्या होगी, टूट जाएंगी. And the secondary oocyte will released out from the ovary. ये secondary oocyte ovary से बाहर आ जाता है. And this releasing process of secondary oocyte, generally हम egg बोल देते हैं. So release of egg is known as ovulation. इसी को हम ovulation बोलते हैं, egg का release होना. So अब जो ये membrane या जो graafian follicle है, ruptured graafian follicle है, ये पीछे बच जाता है. इसके अंदर क्या होता है, breakdown की वजह से blood vessels आपकी टूट जाती हैं, तो हल्की सी ब्लीडिंग आती है, उसके क्लोट बन जाते हैं. अंदर ही रहेगा वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी. दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल. वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे. बट ग्रेफियन फोलिकल की ब्लड वेसल वहीं पे थोड़ी सी टूटेंगी और उनके अंदर क्लोटिंग हो जाएगी. एंड दिस रफ्चर्ड ग्रेफियन फोलिकल विल कन्वर्ट इन टू द कॉर्पस लूटियम. ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस कॉर्पस लूटियम विल एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा टेम्परेरी, विच विल रिलीज द प्रोजेस्ट्रोन एंड दैट प्रोजेस्ट्रोन विल हेल्प इन द
डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल फॉर द अटैचमेंट ऑफ जायगोट। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाएगा, उसके अंदर डिवीजन कराएगा, तो उससे प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज करता रहता है जो उसकी उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है सो दिस कॉर्पस लूटियम विल बी डीजनरेटेड, ये स्टार्ट कर देगा डीजनरेट होना और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। सो कॉर्पस लूटियम पहले आता है, उसके बाद कॉर्पस एल्बिजियंस आता है, ये होता है कॉर्पस हेमरीज। तो ये तीनों कॉर्पसेस होते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इनकी सीक्वेंस बनाना कि कौन सा कॉर्पस पहले आता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इस तरीके से ओवेरी के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज होता है और इन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग रिलीज नहीं होता है, एग बाद में होगा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होता है, एक और डिवीजन होती है, बट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसाइट विल बी रिलीज्ड। We use the term egg, but that is actually wrong. Secondary oocyte is released during the process of ovulation.